नमस्कार, चलिए आपको ले चलते हैं दम दम पार्क में तरुण संघा के इस पंडाल पे। ये एक अलग थीम पे बनाया गया पंडाल है। सामने आप ग्लोब देख सकते हैं, ये इस पेड़ पे लटके हुए मास्क, और आप देख सकते हैं कि जितने भी ये फेस मास्क हैं इन पे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, जो शायद इस पेड़ से ही ऑक्सीजन ले रहा है। ये पंडाल मदर नेचर के लिए बनाया गया है। मदर नेचर की हमारे लाइफ में क्या जरूरत है उसको दर्शाते हुए ये पंडाल बनाया गया है। इसके चारों तरफ बनी ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ये दर्शाती हैं कि हमने सारे पेड़ काट के उसकी जगह ये बड़ी बड़ी इमारतें बना दी हैं, और इनको बहुत अच्छे से यहां पे दर्शाया गया है। और अगर वक्त रहते हमने इसे नहीं संभाला तो शायद ये धरती इन इमारतों से ही ढक जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये बच्चे इस ग्लोब के ऊपर चढ़ रहे हैं और शायद उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये टाइम स्टैम्प में आप देखेंगे कि इमारतें और गांव, आप ये कह सकते हैं कि हम गांव से इमारतों में कन्वर्ट हो गए हैं, या आने वाले वक्त में हमें वापस इन्हीं छोटी छोटी झोंपड़ियों में जाना पड़ेगा। यही एक तरीका है इस नेचर को बचाने का, देखने का नजरिया है हम इसे किस तरीके से देखते हैं। आप देख सकते हैं यहां ये बच्चे इस ग्लोब पे पेड़ लेके जा रहे हैं ताकि उसे हरा भरा कर सकें। इन बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए हम सबको मिलके इसे बचाना होगा। इस थीम में अगर आप पंडाल के अंदर देखेंगे तो लाल लाइट ज्यादा दिखाई देगी, और ये इस चीज का प्रतीक है कि सारे पेड़ बीट कर रहे हैं हमें आगे बढ़ के उन्हें बचाना होगा। और हां, मां का रूप तो हमेशा अच्छा रहता ही है, और इस पंडाल में भी मां की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा है। मैंने कोशिश की है कि जो मैंने देखा वो वैसा का वैसा आपको दिखा पाऊं। और जब मैं यहां से वापस बाहर की तरफ निकला तो मैं देख के आश्चर्यचकित था। मेरे लिए अपने आप में ये एक नई चीज थी जो मैंने शायद पहले नहीं सोचा था। यहां एक पेड़ आईसीयू में था, और हां, मैंने वहां लोगों को कहते सुना कि अभी ये जिंदा है, हमें वक्त रहते इन्हें बचा लेना होगा, नहीं तो आने वाले भविष्य में सब पेड़ यूं ही खत्म हो जाएंगे और हम उन्हें ना बचा पाएंगे।